हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आसाम JEE 2021 के बारे में। आज हम इस वीडियो में आसाम JEE 2021 के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ आसाम JEE 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन आसाम JEE 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ जानेंगे फुल डिटेल में आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर आसाम JEE 2021 का कोई भी नोटिफिकेशन न्यूज़ रिलीज होता है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट किया जाएगा उसका रिलीज होता है तो वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आप जो है चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन बटन है उसे भी दबा के रखें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं आसाम JEE 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा cpet.co.in। जैसे ही आप वहाँ पे cpet.co.in सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है गूगल पे जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखा देगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और उसको उसे ओपन कर देना है। तो ये जो cpet.co.in है ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको आसाम JEE के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन फुल डिटेल में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ ये जो वेबसाइट है वो आसाम JEE की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जो है रेगुलर बेसिस पे जो है अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको जो है फुल अपडेटेड और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ आप किस तरह से आसाम JEE के बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो साइड में सर्च बार दिखा दे रहा है आपको सिंपली वहाँ पे आना है, वहाँ पे आते ही आपको सर्च करना है आसाम JEE, और यहाँ पे जो सर्च का बटन है उस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो आसाम JEE के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है आ जाएगी, उसमें से आप जो इन्फॉर्मेशन चाहे वो देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे आसाम JEE के बारे में थोड़ा और डीप में जाना। लाइक आसाम JEE का फुल फॉर्म है आसाम जॉइंट MCA एंट्रेंस एग्जाम, और अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर कोर्स ये कुछ इस कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए है आसाम में, पूरे आसाम के पूरे स्टेट में कहीं भी अगर आपको एडमिशन चाहिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको जो है आसाम JEE का एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना आपको ये कोर्स में एडमिशन मिलना मुश्किल है। अब आप नेक्स्ट आ जाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे आसाम JEE के क्विक लिंक्स का सेक्शन दे दिया गया है। सो गाइस, ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और डिटेल में जाना, लाइक उस जो अगर आप हो आपको सिर्फ एडमिट कार्ड के बारे में या सिर्फ एग्जाम सेंटर्स के बारे में और डिटेल में जाना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, उसके सामने जो क्लिक किया लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आप जो एक न्यू पेज पर चलेंगे, वहाँ पर आपको आसाम JEE के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड की हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने आ जाएगी। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्जाम सेंटर के सामने, तो एग्जाम सेंटर्स की जो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने वहाँ पे आ जाएगी। अब मैं आपको आप इससे थोड़ी और डिटेल दे दूँ, लाइक ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ आसाम के द्वारा, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो उसकी ऑफिशियल अथॉरिटी है। ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जब वो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करेंगे तब आपको जाके वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना रहेगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेट्स की ओर, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून के मंथ में रिलीज होता है, और एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो भी जून के महीने में ही चालू हो जाता है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है अगस्त के मिडल में हो जाएगा, मिडल ऑफ अगस्त में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो गाइस, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आसाम JEE का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप आसाम JEE का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, अगर उसमें आपने कुछ भी गलती कर दी या कोई भी मिस्टेक कर दी या कोई भी फेक डिटेल्स आपने भर दी, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्टली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी के साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्टूडेंट वो ये होती है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम लास्ट में उनसे कहा जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट सिग्नेचर और फोटोग्राफ उन्हें स्कैन करके अपलोड करना होता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि कौन से साइज़ में जो है कौन से साइज़ में और कौन से फॉर्मेट में उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना रहता है, तो उस वजह से भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो आपके साथ भी ऐसा होना, इससे सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन को भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही आसाम JEE का हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले फुल डिटेल में, उसमें आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, कितनी साइज़ में, कितनी KB में रखना है, कौन से फॉर्मेट में, हर एक चीज़ आपको डिटेल में उस वीडियो में बता दी जाएगी। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखा हो।
अब हम आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर। सो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप आसाम JEE का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अच्छी तरह से देखना होगा और उसे सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आसाम JEE का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप उसके एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, आप उसका एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जो एग्ज़ाम देने के पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले, आप जो है चेक कर लें कि आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया गया। इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दे दूँगा, उसमें फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो, ताकि अगर ऐसी कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस होते हैं, हम तो डायरेक्टली आपको वीडियो के माध्यम से जो आपको अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दे दिया वो दिया है कि जो स्टूडेंट्स है वो कम से कम उनकी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 26, अगर आप 26 ईयर्स से बड़े हो या 20 ईयर्स से छोटे हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं, आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। उसी तरह से आगे और भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दी गई है, आपके मार्क्स के रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हर चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम पैटर्न की ओर। सो गाइस, एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे पहले बता दिया कि जो एग्जाम है वो 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथमेटिक्स में से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में से 35 क्वेश्चन और इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन। जो टोटल आपको टाइम दिया जाएगा पेपर खत्म होने को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो उसके लिए आपको जो है 4 मार्क्स दिए जाएंगे, मीन्स एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स जो है वो अलॉट किए जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर दिया तो आपके जो है 1 मार्क्स जो है माइनस कर दिए जाएंगे रॉन्ग आंसर के, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। अगर आप जो है कोई भी क्वेश्चन का कोई गलत आंसर देते हो तो उसके लिए आपका जो है 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, तो क्वेश्चन जो है MCQ टाइप्स के रहेंगे, मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के आपको टोटल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आपको सिंपली उस पर टिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिए गए, यहाँ पे जो है मेन में सब्जेक्ट के टॉपिक दे दिए गए, सब्जेक्ट दे दिए गए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये मेन जो है सब्जेक्ट खाली यहाँ पे दे दिए गए हैं। और अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप फुल डिटेल सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एडमिट कार्ड के पास। होगा इस आसाम JEE का एडमिट कार्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो आपको जो है आसाम JEE का एग्ज़ाम भी देने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो एडमिट कार्ड अच्छी तरह से डाउनलोड करके उसके 3 से 4 प्रिंटआउट कम से कम संभाल के रखना है अपने पास। और इसी के साथ एडमिट कार्ड में एक और जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ होती है वो ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कब जो है आसाम JEE का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ और कब जो है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग का डेट जो है वो एंड हो चुका, वो खत्म हो चुका। तो इस वजह से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गाइस, आपके साथ भी ऐसा ना, इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही आसाम JEE का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो तो हम अगले ही पल आपको वीडियो के माध्यम से जो अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो चुका है। उसी के साथ साथ आपको इस वीडियो से ये भी मदद मिल जाएगी कि एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, आपको वो भी पता चल जाएगा। इसलिए मेक श्योर कीजिएगा आपने जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो। अब नेक्स्ट बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है। रिज़ल्ट चेक करना बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपको रिज़ल्ट चेक करने के लिए सिंपली क्या डालना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, यानी कि आपका जो आईडी दिया जाता है आपको रजिस्टर करने वो, और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है। पर नॉर्मली होता ही है कि स्टूडेंट्स को जो है लिंक जो दी जाती है चेक करने के रिज़ल्ट, वो गलत लिंक उनको मिलती है, उनको पता नहीं होता कि सही लिंक कौन सी है, इस वजह से वो जो रिज़ल्ट ना तुरंत चेक नहीं कर पाते। तो आपके साथ भी ऐसा ना, इसलिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसे ही रिज़ल्ट निकले तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में रिज़ल्ट चेक करने के लिंक भी दे देंगे ऑफिशियल लिंक, तो आप डायरेक्टली अपना रिज़ल्ट भी उससे चेकआउट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको आसाम JEE के बारे में समझाने, आई होप कि आपको इस वीडियो से पूरी तरह से आसाम JEE के बारे में समझ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट या अभी भी इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।